देन अगेन एक एनदर एटीपी की यहाँ यूज हुआ है, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के भी फास्फेट ग्रुप, तो फर्क तो 1,6 डाइफास्फेट हो गया। उसके बाद इस मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई है। स्प्लिटिंग की मीनिंग है कि ये डिवीजन हुई है दो मॉलिक्यूल में इस जगह पे, यानी दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट है, आर डीएचएपी डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, यहाँ पे लाइसिस हुई है। और उसके बाद जैसे ये आइसोमर भी बन जाते हैं एक दूसरे के, आइसोमराइजेशन का अमल हुआ है। तो ये पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज इसका प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज को हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें जैसे ग्लूकोज की जैसे अभी ब्रेक डाउन हुई है, आगे जाके फिर क्या होगा, आगे एनर्जी यील्ड होगी, तो उसे हम कहेंगे पे ऑफ फेज कहेंगे। तो पे ऑफ फेज के अंदर नेक्स्ट स्टेप जो पे ऑफ फेज होता है, तो पे ऑफ फेज के अंदर जैसे कि आपको बताया कि ग्लूकोज जैसे अभी 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया था, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट और डीएचएपी, दोनों साइड पे जैसे ये रिएक्शन होते हैं, बट हम जैसे एक साइड पे हुई सिमिलर उस साइड पे होते हैं, तो सबसे पहले एक फास्फेट ग्रुप जाके अटैच, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट यानी 3 नंबर कार्बन पे जो फास्फेट था, अब जो है कार्बन नंबर 1 पे भी ये फास्फेट ग्रुप आ जाएगा और 3 नंबर पे पहले से मौजूद था, तो अब ये बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। डाइफॉस्फो की मीनिंग है दोनों साइड पे जैसे फास्फेट ग्रुप बटे, प्लस में एनएडीएच भी। इसी तरह से जो है एनएडीएच जो रिड्यूस टू एनएडीएच जैसे, इसी तरह से जो देन जो है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, उसमें यहाँ से अब जैसे एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, तो अब ये बन जाएगा 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये था 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, डाई फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो अब ये हो गया 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। नेक्स्ट जो अब रीअरेंजमेंट हुई है, फास्फेट ग्रुप जो कार्बन नंबर 2 पे आया तो ये हो गया 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। उसी के बाद जैसे डिहाइड्रेशन का भी फिनोमिना हुआ, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई और फास्फोइनोल पाइरुवेट या पायरुविक एसिड बना। फास्फोइनोल पायरुविक के बाद जैसे आपको पता है अभी भी एक फास्फेट ग्रुप जैसे मौजूद है कार्बन नंबर 2 पे, तो अब उसकी भी जैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के रिजल्ट में और भी एटीपी एक मॉलिक्यूल बनेगा, और ये पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक और पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। तो अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने। अब ये फिनोमेना कहाँ हुआ, जैसे अब ये क्वेश्चन है जरा, ये अमल जैसे सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ, साइटोसोल के अंदर हुआ है। जैसे यूकैरियोटिक सेल है, इसका ये साइटोसोल है, इसके अंदर ये ग्लाइकोलिसिस हुआ है। अब बाकी रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, तो अब ये जो पायरुविक एसिड है, जैसे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यू नो वेरी वेल पायरुविक एसिड देन जो है अब किस में इंटर होगी, अब जो होगी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होगी और देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल होगा। तो पायरुविक एसिड का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना और देन जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना, इस रिएक्शन को हम कहेंगे लिंक रिएक्शन कहेंगे, ट्रांजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एनटीबी के हवाले से आज जैसे एक नया टर्म जैसे हम सीखेंगे, एनटीबी में जो मौजूद है न्यू टर्मिनोलॉजी, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, यानी नंबर ये 2 स्टेप जो था ग्लाइकोलिसिस के बाद नंबर 2 स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड जो आपको पता है ये साइटोसोल में बना है, अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होगा और अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ऐसे पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने हैं, मॉलिक्यूल आपको पता है 2 मॉलिक्यूल है, तो एसिटाइल कोएंजाइम हर एक में से एक एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, तो अल्टीमेटली 2 पायरुविक एसिड है तो उसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बनेंगे। इसी तरह से जो से एक पायरुविक एसिड का कन्वर्जन है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसी तरह से सेम दूसरा भी होगा। अब जैसे आपको पता है कि पायरुविक एसिड C3H3O3, जैसे आपको पता है इसका पायरुविक एसिड का ये फार्मूला है, तो ये इसमें एक जैसे ग्रुप जैसे अब रियर जैसे आप देखें ना कि इनकी मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर वाइज जो उनकी रीअरेंजमेंट होने के बाद जो है, जिस तरह से यहाँ पे सी ओ ओ
ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप जिसे कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है ये, इस कार्बोनिल ग्रुप की सबसे पहले रिमूवल होगी और जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कौन सा एरिया? ये जो एरिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। आप जैसे पूरी माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं बनी हुई है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी जो है इनर मेम्ब्रेन है। जैसे आपको पता है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन के जरिए तो ये पाइरूविक एसिड दाखिल हो जाता है, बट इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ये पास होके देन जो है अंदर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियो लिखा हुआ है इसका मैट्रिक्स पार्ट है, तो मैट्रिक्स पार्ट के अंदर ये फिनोमेना होता है, लिंक रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट जो है होता है, ये अमल होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यकीनन ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्योंकि जैसे ये प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उनके जरिए जैसे पाइरूविक एसिड आता है, तो ये अमल जो है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। और देन पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में डी कार्बो ऑक्सीलेशन हुई है, पहले स्टेप में डी कार्बो ऑक्सीलेशन हुई है। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ जैसे जैसे कार्बोनिल ग्रुप और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से जो एनईडी इज कन्वर्टेड इंटू एनईडीएच दूसरे स्टेप में हुआ है। अब जैसे आपको पता है कि इसमें एक एसिटाइल अल्डिहाइड जैसे बन जाता है, साथ साथ में तीसरे स्टेप में इसके साथ को एंजाइम ए एड होगा, तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए होगा। तो यही सेम जो रिएक्शन है इन थ्री पॉइंट्स या थ्री स्टेप्स की सूरत में यहाँ पे मौजूद है, जैसे हमारे एनटीबी में कि पाइरूवेट्स आर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल, यानी पाइरूवेट्स कौन से, जैसे ग्लाइकोलिसिस में से आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना हुआ था, तो उसके रिजल्ट में जो है पाइरूविक एसिड बने थे। ये अमल कहाँ पे हुआ था, ये अमल साइटोसोल में हुआ था, बिकॉज पाइरूवेट इज अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इट मस्ट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियन वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो अब ये पाइरूविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होगा, यकीनन किसके जरिए दाखिल होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए। आपको पता है कि जैसे एक जैसे डिफ्यूजन होती है, तो वो डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होती है, बाकी जैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनकी जो जैसे सेल के अंदर या किसी भी मेम्ब्रेन से अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे अमल होगा और उसके जरिए क्या होगा कि जैसे ये पाइरूविक एसिड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्रॉस कर सकते हैं, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन उसके जरिए यहाँ पे जो है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसकी मदद से अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाइरूविक एसिड दाखिल होगा। सो वन ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट्स डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन क्रैब्स साइकिल। जैसे आपको पता है क्रैब्स साइकिल का अमल जो है कहाँ पे होता है, क्रैब्स साइकिल का अमल जैसे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यानी पाइरूविक एसिड डायरेक्टली इंटर माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट नहीं बनेगी, बट उसके बाद उससे पहले क्या होगा, उसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट की मीनिंग ये है कि पाइरूविक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी देन एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू क्रैब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अब यानी क्या कौन सा अमल होना है कि यही पाइरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, बट दे अंडरगो अ इंटरमीडिएट फेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, यानी जो दूसरा स्टेप है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के चार फेजेस और स्टेप्स होते हैं, तो ये नंबर टू फेज है, ग्लाइकोलिसिस के बाद नंबर टू फेज है, इसमें गुजरना है इसको, पाइरूविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होना है। सो एज इट लिंक्स द पाथवे ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया विद दैट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। आप स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक की इस पॉइंट को, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज आप कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, आप ऐसे मैसेज करेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे इंटरमीडिएट फेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड लिंक रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन इट लिंक्स, लिंक रिएक्शन का काम क्या है, ट्रांजिशन रिएक्शन का काम क्या है, या ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड में क्या होता है कि यानी ये जो अमल होता है ग्लाइकोलिसिस को जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब्स साइकिल के साथ लिंक करता है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुई है, साइटोसोल में। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं जैसे ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर जैसे हमने दिया है, यानी इट लिंक्स द पाथवे ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे क्या था? ग्लाइकोलिसिस था, दैट अकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यकीनन ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हुआ है, फिनोमेना कहाँ पे हुआ है? साइटोसोल के अंदर हुआ है। विद दैट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा दूसरा प्रोसेस है? दूसरा प्रोसेस है, जैसे आपको पता है कि वो है प्रोसेस, उसका नेम है सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल, जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन दोनों रिएक्शंस को लिंक करने के लिए कौन सा फिनोमेना है? लिंक करने के लिए ये ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट है, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं या ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन। लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जैसे इस तरह की है कि यानी ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में हुआ है और बाकी जैसे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर क्रेब साइकिल है, उन दोनों को लिंक करने के लिए यही ट्रांजिशन रिएक्शन और लिंक रिएक्शन होता है। अब इसके स्टेप्स हैं, थ्री स्टेप्स हैं, जैसे नंबरिंग भी हमारे हमारे टेक्स्ट बुक में नंबरिंग भी दी गई, डायग्राम भी है एनटीपी में ऐसे थ्री स्टेप। फर्स्ट इट अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ ये यहाँ पे पॉइंट मिस है, डी कार्बोक्सिलेशन इन विच मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम पाइरूवेट टू फॉर्म एसिटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, ये जैसे आप देखें पहले स्टेप में, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे पहले स्टेप में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पाइरूविक एसिड था, जो थ्री कार्बन कंपाउंड था, इसमें यानी एक डी कार्बोक्सिलेशन होती है। हमेशा आप याद रखें डी रेफर्स टू रिमूव, डी कार्बोक्सिलेशन का अमल हुआ, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी जो रिमूवल हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाए, तो इस अमल को हम कहेंगे नंबर वन रिएक्शन को हम कहेंगे कि इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। यकीनन जब डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो अब रिमेनिंग क्या बचता है? अब रिमेनिंग बचेगा उसे हम कहेंगे एसिटाइल अल्डिहाइड। एक और भी जैसे इलस्ट्रेशन हम उसके जरिए भी हम समझेंगे, एसिटाइल अल्डिहाइड टू कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि जो पाइरूविक एसिड थ्री कार्बन है उसमें एक कार्बन जो है रिमूव हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में देन एनएडी रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाइल अल्डिहाइड। तो ये देखें एनएडी जो है ये रिमूव कर रहा है एसिटाइल अल्डिहाइड से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अब ये जो है एनएडीएच हो जाता है, प्लस प्रोटॉन, एनएडीएच प्लस प्रोटॉन। अब ये हुआ नंबर टू स्टेप, एनएडी रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाइल अल्डिहाइड और इसके रिजल्ट में ये एनएडीएच हो गया। अब नंबर थ्री स्टेप बचा है, थ्री स्टेप में क्या होता है? फाइनली रोकिए, तो हम लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो दोबारा से देखिए थोड़ा सिलसिला जो है डिस्कनेक्ट हो गया था टेक्निकल इश्यूज की वजह से। जैसे उसमें नंबर वन स्टेप था, यू नो वेरी वेल कि नंबर वन स्टेप के अंदर जैसे डी कार्बोक्सिलेशन का फिनोमेना हुआ, नंबर टू के अंदर जैसे जैसे एनएडी दो हाइड्रोजन रिमूव एनएडीएच बना है, और तीसरे स्टेप में जैसे जैसे फाइनली एसिटाइल ग्रुप इज कंबाइंड विद कोएंजाइम टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। तो इस तरह से जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और सेम इससे और एक और बेहतर डायग्राम हमारे एनटीपी में भी मौजूद है, जिसमें आप यकीनन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ये पाइरूविक एसिड है जो थ्री कार्बन कंपाउंड है, और थ्री कार्बन कंपाउंड में डी कार्बोक्सिलेशन का फिनोमेना हुआ है, यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई है, तो उसके रिजल्ट में एसिड बना है। और उसके बाद जैसे आप देखें इस स्टेप में क्या हुआ, एनएडी ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, जैसे ये एसिटाइल अल्डिहाइड या एसिटेट इसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया है और उसके रिजल्ट में एनएडीएच बना है। इस अमल को हम कहेंगे डीहाइड्रोजनेशन कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन्स की रिमूवल को हम कहेंगे डीहाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो इसी तरह से जो उसके बाद नंबर थ्री स्टेप जैसे को एंजाइम, अब जब रिमूवल हो गया तो को साथ साथ में को एंजाइम भी इसी एसिटाइल ग्रुप से जैसे अटैच होता है, तो ये बन जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये मॉलिक्यूल हो गया, इसका नेम है एसिटाइल को एंजाइम ए। ये सेम है,
तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो उससे हम कहेंगे, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो उससे हम कहेंगे डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन के बाद जैसे कोएंजाइम ए भी अटैक हुआ तो इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम है। ये हमारे एनटीपी बुक के अंदर डायग्राम मौजूद है पेज नंबर 90 पे, ठीक है। होपफुली आपने लिंक रिएक्शन पढ़ लिया होगा या समझ लिया होगा। अब हम आते हैं, यानी अब एसिटाइल को एंजाइम में नाउ इट इंटर्स इनटू सिट्रिक, जो क्रैब साइकिल कहें आप या सिट्रिक एसिड साइकिल कहें। अब ये अमल स्टार्ट यहाँ से होगा। जैसे और मजीद इलस्ट्रेशन है, कई इलस्ट्रेशन है, जैसे स्टेप्स भी दिए गए, आसान बहुत ही आसान से स्टेप है। जैसे पाइरूवेट है या पाइरूविक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द पाइरूवेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिमूव हुआ है नंबर वन स्टेप पे और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। उसके बाद एनएडी इज रिड्यूस टू एनएडीएच, एनएडी इज रिड्यूस टू एनएडीएच बिकॉज अब इसने जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को रिमूव किया। इस अमल को जैसे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है बिकॉज जैसे रिमूवल ऑफ या लूजिंग ऑफ, जैसे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, जैसे लूजिंग है ना इलेक्ट्रॉन की। तो इसी तरह से अब तीसरे स्टेप में जैसे एन एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू कोएंजाइम ए रिजल्टिंग इन एसिटाइल कोएंजाइम, उसके रिजल्ट में जो अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। इसी तरह से आप अगेन देखें बिकॉज हमने आज जैसे बहुत ज्यादा थोड़ी डिसकनेक्टिविटी हुई है, पता नहीं स्टूडेंट ने फॉलो किया होगा या नहीं किया होगा। हम तो आज जैसे स्टार्ट ही जैसे लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन से किया है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम पाइरूवेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन वही सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। डीहाइड्रोजनेशन का भी अमल हुआ है। एनएडी इज रिड्यूस्ड टू एनएडी, एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू कोएंजाइम ए एंड रिजल्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस तरह से जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये थ्री स्टेप्स की सूरत में जैसे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें इंटर होगा? अब एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जैसे अब ये बन चुका है और क्रैब साइकिल में ये अब इंटर होगा। क्रैब साइकिल में जैसे आपको पता है साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। साइक्लिक इवेंट्स की मीनिंग ये होती है कि ऑलरेडी जो है कंपाउंड मौजूद है उस साइकिल के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी अब इसके अंदर एडिशन होगी। और यू नो वेरी वेल आपने जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा तो इसमें एक चैन ऑफ जैसे एक रिएक्शन है, स्टेप वाइज भी है और सारे एंजाइम रेगुलेटेड रिएक्शन होते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल भी बनेगा, CO2 भी बनेगी, डी कार्बोक्सिलेशन का अपना बना भी होगा, NADH भी बनेगी, FADH भी बनेंगे और इस तरह से जो साइक्लिक इवेंट चलते रहते हैं। तो जो क्रैब साइकिल के हवाले से जो है ये नाम क्यों आया, जैसे अगर हम इस इनको देखें डिस्कवरी जो है डिस्कवरी के हवाले से पर्सन है क्रैब्स, ब्रिटिश पर्सन साइंटिस्ट सर हांस क्रैब, देयरफॉर कॉल्ड एज क्रैब्स साइकिल, ठीक है, क्रैब्स पर्सन का नेम है। क्रैब साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे आपको पता है जो टू कार्बन कंपाउंड है ट्रांसफर्स एसिटाइल ग्रुप टू फोर कार्बन कंपाउंड जो ऑलरेडी साइकिल के अंदर, जैसे हमने अभी बात नोट की जिससे कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ये तो इंटर हुआ है एसिटाइल को, ऑलरेडी यहाँ पे फोर कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नेम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या OA कहते हैं और उसके रिजल्ट में जैसे एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बनता है। यानी जैसे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड चार कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम में टू कार्बन कंपाउंड है तो यकीनन जो पहला कंपाउंड बनेगा वो होगा सिट्रिक एसिड और सिट्रेट होगा वो सिक्स कार्बन कंपाउंड होगा। चार जो फोर कार्बन कंपाउंड OA ऑक्सिलोएसिटिक एसिड और कोएंजाइम ये ऑलरेडी जैसे अभी आपने जैसे नोट किया टू कार्बन कंपाउंड, चार और दो यानी सिक्स कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा? सिट्रिक एसिड और सिट्रेट होगा। सो इस साइकिल को हम कहेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। जैसे सबसे पहले नाम ये क्यों आए ये हम इसको नोट करेंगे, पहला नाम जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब्स साइकिल तो वो तो पर्सन है डिस्कवरी की वजह से आया और ये सिट्रिक एसिड साइकिल इस वजह से आया है बिकॉज जैसे कोएंजाइम ये जो टू कार्बन कंपाउंड है और ऑलरेडी प्रेजेंट जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फोर कार्बन कंपाउंड उसके रिजल्ट में फर्स्ट जैसा रिएक्शन होता है उसमें एक स्टेबल कंपाउंड सिक्स कार्बन का बनता है उसे हम कहेंगे सिट्रिक एसिड। सो दिस साइकिल इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट कंपाउंड व्हिच इज फॉर्मड इन द साइकिल इज द सिट्रिक एसिड एंड द कंटेन थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की होने की वजह से इसका नेम रखा गया है।
TCA साइकिल, ट्राई थ्री ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। तो यानी इस साइकिल की जो थ्री नेम्स है, एक डिस्कवरी के हवाले से है, नंबर टू स्टेबल कंपाउंड सिक्स कार्बन का बनता है उसका नेम है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसी सिट्रेट के अंदर या सिट्रिक एसिड के अंदर थ्री कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप होते हैं तो इसे हम कहेंगे थ्री कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप होने की वजह से TCA साइकिल या ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो यानी इसके थ्री जो है, यकीनन इसके थ्री नेम्स हैं जो आप नोट भी करेंगे कि ये इसका नेम क्यों आया है, क्यों आया है, तो मीन्स उसका रीजन जो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया। और ये अमल होता कहाँ है, ये अमल होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, यकीनन जो आप ऐसे सवाल याद करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले लिंक रिएक्शन जैसे हुआ था वो भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, ग्लाइकोलिसिस का भी हुई साइटोसोल के अंदर हुई है, और जैसे आखिरी जो चौथा जैसे एक स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ होगा, क्रिस्टी के अंदर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो इसी तरह से जैसे ओवरऑल एक व्यू है कि इस साइकिल के अंदर होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि एसिटाइल को एंजाइम जो टू कार्बन कंपाउंड है ऑलरेडी प्रेजेंट, जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है फोर कार्बन कंपाउंड था, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए टू कार्बन कंपाउंड, तो उसमें जो है सिट्रिक एसिड बना तो वो सिक्स कार्बन कंपाउंड था। सिट्रिक एसिड बनने के बाद जैसे आपको पता है कि उसमें आइसोसिट्रेट बनता है, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद जैसे यू नो वेरी वेल जैसे एक अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, उसके बाद सक्सिनिल को एंजाइम है, सक्सिनिल को एंजाइम के बाद सक्सिनेट फ्यूमेरेट मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसी तरह से जो है काफी जगहों पे FADH, जैसे एक जगह पे FADH बनेगा NADH भी दो जगहों पे बनेंगे, और ATP मॉलिक्यूल भी बनेंगे, और इसी तरह से CO2 भी मॉलिक्यूल बनेंगे इस साइकिल के अंदर होगा। ये इस साइकिल को जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये साइक्लिक इवेंट्स हैं, हर एक स्टेप को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहला पहला स्टेप आपको पता है कि जिसमें कौन सा अमल होगा, जैसे आपको पता है कि पहले स्टेप को हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी, यानी पहले स्टेप में जैसे आपको पता है कि टू कार्बन कंपाउंड है जिसका नेम है एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कहाँ से आया है, जो ट्रांजिशन और लिंक रिएक्शन से आया। अब ऑलरेडी जो एक फोर कार्बन कंपाउंड है जिसका नेम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जब इसके साथ लिंक होगा तो क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन कंपाउंड है उससे मिलेंगे सिट्रिक एसिड, और साथ साथ में को एंजाइम जो था वो उसकी भी रिमूवल होगी। तो इस अमल को हम कहते हैं नंबर वन स्टेप को हम कहेंगे सिंथेसिस। ये हमारे NTB की जो सिंथेसिस स्टेप की पॉइंट्स है, NTB की, NTB नेशनल टेक्स्ट बुक। एसिटाइल को एंजाइम में जो टू कार्बन कंपाउंड है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कंबाइन विद ऑक्सैलो एसिटिक, तो फोर कार्बन जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है टू फॉर्म सिक्स कार्बन कंपाउंड कॉल्ड सिट्रिक, और सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो पहली पहली प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनी है, सिंथेसिस हुई है, तो इस अमल को हम कहेंगे सिंथेसिस। ये नंबर वन स्टेप है। जैसे ये एसिटाइल को एंजाइम में सल्फाइड्रल ग्रुप भी होता है इसके साथ, तो SH की जगहों पे जैसे फार्मूला के अंदर आप जैसे देखेंगे तो ये उस प्लस में फोर कार्बन कंपाउंड है, ये रिएक्शन है। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में रिएक्शन के हवाले से ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं है, नहीं आपको याद करना है कि कौन सा रिएक्शन है या एंजाइम है, कोई उसका जिक्र नहीं। सिट्रेट सिंथेटेस एक एंजाइम होता है और उसके रिजल्ट में एक सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता है जो सिक्स कार्बन का है। तो इस अमल को हम कहेंगे जैसे नंबर वन स्टेप है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बना जिसे हम कहेंगे सिंथेसिस का अमल हुआ, और सिक्स कार्बन कंपाउंड का नेम है जैसे सिट्रिक एसिड, इस कंपाउंड का नेम है सिट्रिक एसिड। नंबर टू है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डी लव्स की मीनिंग ही रिमूवल है, हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, यानी वाटर की रिमूवल हुई है, डिहाइड्रेशन का अमल हुआ है। यानी अब किस पे यानी रिएक्शन होगा, अब ये होगा सिट्रेट पे। सिट्रेट से क्या बनेगा, सिट्रेट से सिस एकोनीटेट बनेगा। ये NTB में मौजूद है, STB में ये पॉइंट नहीं है, और एकोनीटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो इस अमल को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन कहेंगे। फिनोमेना इस कारण है डिहाइड्रेशन, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, सिट्रेट सिस एकोनीटेट बनेगा या एकोनीटिक एसिड बनता है, तो इसमें सिट्रेट अंडरगोज रिकग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स,
रिजल्टिंग कंपाउंड एसिड से एको नाइट्रेट, रिजल्टिंग रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। जैसे आप देखें सिट्रेट और सिस एको नाइट्रेट है वही सिक्स कार्बन कंपाउंड है, बट उनकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है तो एक जैसे कंपाउंड बना है जिसका नेम है सिस एकोनिट्रेट। और क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, ये पॉइंट याद रखेंगे बिकॉज यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है। नेक्स्ट जो फेज होगा उसमें एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी, तो इस जगह पे सिट्रेट से सिस एकोनिट्रेट रिएक्शन के दौरान यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है, सिट्रेट से सिस एकोनिट्रेट बना। इसी तरह से नेक्स्ट जो पाथवे है उसमें यानी नंबर थ्री जो रिएक्शन है, नंबर थ्री रिएक्शन के अंदर हाइड्रेशन हुई है। जैसे देखें नंबर टू के अंदर जैसे डिहाइड्रेशन हुई, नंबर थ्री के अंदर हाइड्रेशन हुई है। जैसे ये नंबर टू जो पाथवे था और ये नंबर थ्री है, इसी सिस एकोनिट्रेट में हाइड्रेशन हुई है तो ये आइसोसिट्रेट बनता है। हमारे एसटीबी के अंदर हमने जैसे पढ़ा है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, ये स्टेप जो है एसटीबी में नहीं है, एनटीबी में मौजूद है। तो यानी सिट्रेट से पहले सिस एकोनिट्रेट एसिड बनता है या एसिनेट्रेट बनता है जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल से बनता है, और दोबारा से जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा यानी इस अमल को हम कहेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल की जब एडिशन होगी तो उसमें सिस एकोनिट्रेट से आइसोसिट्रेट सिट्रेट मॉलिक्यूल बनेगा। और हमारे एचटीबी के अंदर क्या है, सिट्रेट से डायरेक्टली बताया गया है आइसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, तो ये नंबर थ्री स्टेप है जिसे हम कहेंगे हाइड्रेशन, यानी सिस एकोनिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक्चुअली सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर टू ईच अदर। एनटीबी की ये जैसे पॉइंट है, एनटीबी की टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मौजूद है जिसमें आप ये नोट करेंगे क्या हुआ है नंबर थ्री स्टेप में, ये हुआ है नंबर थ्री स्टेप में सिस एकोनिट्रेट हाइड्रेशन का अमल हुआ और उसके रिजल्ट में आइसोसिट्रेट हुआ है, उसके रिजल्ट में जैसे आइसोसिट्रेट बना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, चौथा स्टेप है जिसे कहेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन, फिनोमेना इज कॉल्ड डी कार्बो ऑक्सीलेशन। जैसे कि आपको पता है कि डी लफ्ज की मीनिंग ही होती है टू रिमूव, कार्बो ऑक्सीलेशन इसका मतलब है कि इसमें जो है कोई कार्बन कार्बोनिल ग्रुप या कार्बन जो रिमूव होगा, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक बनता है तो उसे हम कहेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन। यानी दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन और डी हाइड्रोजनेशन भी होता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट होगा फॉलोइंग डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन की मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ जैसे कार्बन है उसकी रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बन टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटरेट। यानी जैसे फिनोमेना अगर रिएक्शन के हवाले से देखें क्या है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट। आइसोसिट्रेट कौन सा कंपाउंड है, सिक्स कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितना होगा, अब फाइव कार्बन का। वाई, बिकॉज एक जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बना है मॉलिक्यूल को, यकीन नहीं कार्बन यहाँ से लूज हुआ है तो इससे हम कहेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन का फिनोमिना, डी कार्बो ऑक्सीलेशन का फिनोमिना हुआ है। तो इसी रिएक्शन के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे बुक में भी होगा, आपके पास भी ऐसा बुक होगा यकीन एनटीबी, उसमें आप देखेंगे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जैसे एक बन गया है, रिमूव हुआ है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन हुई है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन हुई है। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन थे, वो अब क्या होगा कि एनएडी आर टेकन बाय एनएडी और एनएडी अब रिड्यूस होगा, रिड्यूस फॉर्म होगा एनएडीएच। तो यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच भी बनेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। किस तरह से, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम आइसोसिट्रेट, क्योंकि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट एसिड बना था, तो इसके सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आर रिलीज फ्रॉम आइसोसिट्रेट विच आर टेकन बाय एनएडी टू फॉर्म एनएडीएच व्हाइल द कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिलीज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी इस पाथवे या इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट एसिड बना है जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है और एनएडी इज रिड्यूस जैसे हुआ है उसमें जैसे एनएडीएच बन गया है। तो इस एनएडीएच बना है, इस अमल को जैसे हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन का अमल है। डी कार्बो ऑक्सीलेशन में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ जैसे कार्बन जिसके रिजल्ट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट टाइम जैसे सिक्स कार्बन कंपाउंड है उसमें जैसे अब फाइव कार्बन कंपाउंड बना है और विद फॉर्मेशन ऑफ जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूल और एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है, उसमें नेक्स्ट एक और भी जैसे डीकार्बोक्सिलेशन का फिनोमेना होगा, एक और CO2 मॉलिक्यूल भी बनेगा, और एक और जिस तरह से NADH भी मॉलिक्यूल बने, सेम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 5 स्टेप है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऑलरेडी जैसे अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो है 5 कार्बन है, अब इस 5 कार्बन में से जैसे अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा वो यकीनन 4 कार्बन का होगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो एक 4 का 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें सक्सिनिल को एंजाइम ये बनेगा जो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये जो CO2 यहाँ पे रिमूव होगा बनेगा, और एक NADH भी बनेगा। ठीक है, एंजाइमेटिक पाथवे है, और जाहिर अब हमारे NTB के अंदर या STB के अंदर एंजाइम का जिक्र नहीं है, ये सारे पाथवे जो एंजाइमेटिक पाथवे होते हैं। तो इसी तरह से जो अगर हम देखें जैसे ये आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बना है, तो अब अल्फा कीटो ग्लूटेरेट आपको पता है 5 कार्बन का है, इसमें सक्सिनिल को एंजाइम ए बनता है, बिकॉज इसमें एडिशन ऑफ को एंजाइम ए भी होती है, को एंजाइम यहाँ भी इसमें ऐड भी होता है, तो इसे हम कहेंगे सक्सिनिल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल बना है। और जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा ग्लूटेरेट जो है ये जैसे यहाँ से रिमूव हुए, तो इससे NADH मॉलिक्यूल भी बना है, CO2 भी बना है। तो इस पाथवे को हम कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एडिशन ऑफ एंड एडिशन ऑफ को एंजाइम ए, साथ साथ में एडिशन ऑफ को एंजाइम ए भी हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन का भी फिनोमिना हुआ। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट अगेन अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिलीज फ्रॉम द अल्फा कीटो ग्लूटेरेट आर टेकन बाय NAD टू फॉर्म NADH, व्हाइल द कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिलीज्ड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिलीज फ्रॉम एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट कंबाइंस विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो आपने यहाँ पे देखा जैसे अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है, उसमें सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना है, कोएंजाइम की एडिशन की वजह से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए हाउ मेनी कार्बन आइटम, 4 कार्बन का, क्यों कि डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और भी बना है। जैसे सेलुलर जो रेस्पिरेशन के रिएक्शन के अंदर आप अगर बताएंगे कि हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, नंबर तादाद बताएं, 1 2 3 4 5 6, मुजीब रहमान साहब, टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल होंगे, इक्वेशन में मौजूद है घनो 6, 6 के अलावा और 6 करेक्ट है। जैसे आपको पता है कि पाइरूविक एसिड कितने बने थे, पाइरूविक एसिड 2 मॉलिक्यूल थे, उनमें से एसिटाइल को एंजाइम कितने बने थे, एसिटाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल ये भी 2 बने थे। हमने क्या रिएक्शन, एक रिएक्शन पढ़ा है जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन हर एक पाइरूविक एसिड में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, एक पाइरूविक एसिड में एक कार्बन डाइऑक्साइड, और जाहिर है दूसरा पाइरूविक एसिड होगा तो एनदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। तो यानी लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के अंदर कितने CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के दौरान जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब रिमेनिंग जैसे 4 कौन से 4, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 2 एसिटाइल को एंजाइम ए जो है इंटर हुए, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हुए, 2 एसिटाइल को एंजाइम ए जो है इसमें दाखिल हुए हैं। तो एक जैसे आपको पता है कि ये साइकिल है सिर्फ एक एसिटाइल को एंजाइम ए का, जो क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, साइक्लिक इवेंट है, एक एसिटाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल के हैं, जाहिर है ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो जाहिर है 2 टाइम्स ट्वाइस साइकिल होगा। तो यानी जो प्रोडक्ट एक साइकिल की है सेम वो प्रोडक्ट दूसरे साइकिल की होंगे। तो एक साइकिल के दौरान जैसे हाउ मेनी CO2 आर प्रोड्यूस, 2 CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 CO2 क्रैब साइकिल के एक एसिटाइल को एंजाइम में, 2 दूसरे में, तो टोटल यहाँ पे क्रैब साइकिल के अंदर CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे। लिंक रिएक्शन के कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इस तरह से 6 CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें 2 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं वो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में, रिमेनिंग जो 4 जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है इस सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस हो। किन किन पॉइंट पे जैसे प्रोड्यूस हुए, आपने जैसे देखा आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बना है, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना था, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिल को एंजाइम ए बनने में भी एक और अमल हुआ था डी कार्बोक्सिलेशन का,
जिसके रिजल्ट में भी एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल बना है। तो इस तरह से एक सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर दो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा भी होगा यकीनन, क्योंकि दो एसिटाइल को एंजाइम ए इंटर होते हैं। तो इसी तरह से 2+2 यकीनन 4, 4 CO2 जो बनेंगे वो इस सिट्रिक एसिड साइकिल में, 2 CO2 बनेंगे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। टोटल जो 6 CO2 मॉलिक्यूल बनते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो यही पॉइंट आपको बताने दी कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जैसे देखा दो जगहों पे यानी डी कार्बो ऑक्सीलेशन का फिनोमिना हुआ है, एक जैसे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लुटेरेट बनने में, और दूसरा मल कब अल्फा कीटोग्लुटेरेट से जैसे सक्सिनिल को एंजाइम बनने में एक और CO2 मॉलिक्यूल भी रिमूव हुई है। साथ साथ में आपने ये भी देखा दो NADH मॉलिक्यूल भी बने, दो NADH मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जस्ट फर्क इसमें इतना है कि ये को एंजाइम ऐड हुआ है तो इसे हमने सक्सिनिल को एंजाइम है। उसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम कहेंगे कि जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जैसे ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, तो अब इस स्टेप में ATP मॉलिक्यूल बनने का अमल होगा। नेक्स्ट जो अब स्टेप है इसमें ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। ATP फॉर्मेशन ऑफ ATP हमारे NTP में 6 नंबर हेडिंग है, 6 नंबर हेडिंग है NTP में फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP किस तरह से बनेंगे, सो को एंजाइम इज रिमूव्ड फ्रॉम सक्सिनिल को एंजाइम टू फॉर्म सक्सिनेट। जैसे सक्सिनिल को एंजाइम ए है, सक्सिनिल को एंजाइम ए है, इसमें को एंजाइम ए की रिमूवल हुई, जैसे ये जो ना रिमूवल हुई है और उसके रिजल्ट में क्या बना है सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड बना है, पहला इवेंट ये हुआ। नंबर 2, रिएक्शन रिलीज सफिशियंट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन विद GTP एंड P फॉर्मिंग GTP। इस रिएक्शन के दौरान सफिशियंट एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज यूज्ड टू GDP+P, उससे GTP बनेगा। जी स्टैंड्स फॉर गुआनोसिन, जैसे एडिनोसिन गुआनोसिन, जैसे आपको पता है कि अगर एडीनिन नाइट्रोजिनस बेस होता है तो एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है ATP, और गुआनोसिन यानी GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इस रिएक्शन के दौरान जो सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से GDP+P इज GTP, साथ साथ में GTP मॉलिक्यूल भी बनेगा। अब GTP+ADP तो ATP बनेगा, तो ये भी इस तरह से फाइनली जैसे ATP मॉलिक्यूल के बनने का अमल होगा। ये भी इसमें जैसे मौजूद है, इसे रिएक्शन के अंदर हमारे NTP के अंदर लिखा हुआ है GTP रिएक्ट्स विद ADP, GTP रिएक्ट्स विद ADP टू फॉर्म ATP, उसके रिजल्ट में ATP बनेगा व्हाइल GTP इज अगेन कन्वर्टेड इनटू GDP, और जो GTP था वो अगेन कन्वर्ट किस में हुआ GDP में हुआ, और मॉलिक्यूल कौन सा बना अल्टीमेटली मॉलिक्यूल बना ATP मॉलिक्यूल बना। GTP कंबाइंस विद ADP फॉर्म्स ATP एंड GTP इज अगेन कन्वर्टेड इनटू GDP। इस तरह से GDP और GDP पड़ा है दोबारा से फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो अगेन जो है एक ATP मॉलिक्यूल इस तरह से बनता रहेगा। और आप स्टूडेंट अगर बताएंगे कि ये ATP मॉलिक्यूल जो बना है ये कौन सा फिनोमिना है, कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए ये ATP मॉलिक्यूल बना है, यासिन साहब, मुजीब रहमान साहब, जेठान साहब, प्रोसेस का नेम बताएं कि ये कौन सा प्रोसेस है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, एग्जैक्टली, आप वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी जैसे आपने दो पॉइंट्स देखे जहां पे ATP बने थे वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा, एक साइकिल के दौरान एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का अमल है। क्योंकि जैसे जो एंजाइम था सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेज, इसने सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट क्या है सक्सिनिल को एंजाइम है, इससे यहाँ से जैसे फास्फेट ग्रुप जैसे रिमूव और एडिशन विद ADP और ATP मॉलिक्यूल जैसे हुआ है, तो इसे कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन फिनोमेना, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। यानी होपफुली आपने ये पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, GTP जैसे बनाया तो ADP के साथ बन के ATP मॉलिक्यूल बनता है, और GTP अगेन कंबाइंड विद GDP कन्वर्टेड इनटू GDP, GTP इज अगेन कन्वर्टेड इनटू GDP। इन दिस वे मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, इस रिएक्शन के दौरान ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है। सक्सिनिल को एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट
विद द रिमूवल ऑफ कोएंजाइम ए एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये जो है नंबर सिक्स स्टेप में है। नंबर सिक्स स्टेप में की इवेंट्स ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेवन नंबर स्टेप पे आएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, दैट इज द डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन, डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन, जिसे देखिए सीरीज से कंटिन्यू चल रहे हैं। अब सक्सीनेट जो बना था इससे पहले रिएक्शन में, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनेगा, डीहाइड्रोजिनेशन का अमल है, डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन, यानी सक्सीडेशन अंडर सक्सीनेट अंडरगोज डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन टू फॉर्म फ्यूमेरेट। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम सक्सीनेट आर टेकन बाय एफएडी टू फॉर्म एफएडीएच। तो इस रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे सक्सीनेट से, दे उसमें जो एफएडी से देन आगे क्या बनेगा, एफएडीएच बनेगा, और सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट। जैसे ये सक्सीनेट है, सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट, एफएडी से एफएडीएच बनता है। हर रिएक्शन के अंदर जैसे ये साइकिल भी चल रहा है और हम एक अलग से भी देख रहे हैं इस रिएक्शन को, प्लस में टेक्स्ट में क्या है उनको हम इससे मैच कर रहे हैं। आखिर में आप सब क्या करें, कंबाइन करें, थोड़ी मेहनत आपको आखिर में करनी पड़ेगी क्योंकि सेल्फ स्टडी इज नेसेसरी। जैसे सर भी आपको बताते रहते हैं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ आए, यहाँ पे यहाँ से आपको 10 बार समझाएं रिएक्शन, कम आखिर में अल्टीमेटली आपको जैसे देखना होता है, मैं याद दिलाता रहता हूँ डेली, ठीक है। तो आप ऐसे ना समझें कि जिस वक्त स्टूडेंट पढ़े फिर कहें कि अब ये रिवीजन होती जाए हम याद करते जाएं, इस तरह स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम दें। तो इसी तरह से जो क्या होगा, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनेगा और एक एफएडीएच, वन मॉलिक्यूल ऑफ एफएडीएच भी बनेगा। सक्सीनेट अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन टू फॉर्म फ्यूमेरेट। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम सक्सीनेट आर टेकन बाय एफएडी टू फॉर्म एफएडीएच। तो ये सेवन नंबर स्टेप हुआ। अब हम नंबर एट स्टेप पे आते हैं। नंबर एट स्टेप है, नंबर एट स्टेप बहुत ही छोटा सा स्टेप है, हाइड्रेशन का अमल हुआ। हाइड्रेशन की मीनिंग होती है वाटर को ऐड करना। इससे पहले डिहाइड्रेशन का अमल हुआ था, यहाँ पे अब जो वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई है, इसी फ्यूमेरेट से जो अब क्या बनेगा, मैलेट बनेगा या मैलिक एसिड बनेगा। ये सारे फोर कार्बन है, आपको पता है ये सब जो है फोर कार्बन है, जैसे सिक्स कार्बन सिट्रेट था और उसके बाद आइसोसिट्रेट भी सिक्स कार्बन था, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड फाइव कार्बन था, सक्सीनिल कोएंजाइम फोर कार्बन है, और उसके बाद सक्सीनिक एसिड फोर कार्बन है, फ्यूमेरेट फोर कार्बन है, मैलिक एसिड फोर कार्बन है, ऑक्सिल एसिटिक फोर कार्बन है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये टू कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसी तरह से जो ये कार्बन की तादाद वगैरह कंपाउंड कितने, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो हाइड्रेशन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एडेड टू फ्यूमेरेट एंड मैलेट इज फॉर्म। बहुत ही छोटा सा स्टेप है, यानी फ्यूमेरेट के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई है, फ्यूमेरेज एंजाइम होता है जो आपको याद नहीं करना है, और उसके रिजल्ट में मैलेट और मैलिक एसिड बनता है। इस अमल को हम कहेंगे हाइड्रेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो जो फेज है, नेक्स्ट फेज है थोड़ा सा डिहाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन है जिसमें मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, वापस पहली पहली जो आपको पता है कि इस साइकिल के अंदर जो एक्सेप्टर था एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करने वाला, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ओईए था, आप स्टूडेंट्स को याद है जो फोर कार्बन कंपाउंड है, ये वापस बना मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना। कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस का नेम होगा डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन। मैलिक एसिड अंडरगोज डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी फोर कार्बन, और जैसे आपको पता है मैलिक एसिड भी फोर कार्बन है। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिलीज फ्रॉम मैलेट, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन जो मैलेट से रिलीज हुए थे, दे आर एक्सेप्टेड बाय एनएडी और एनएडीएच बनता है, और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो फोर कार्बन है ये बन गया। विच आर रिलीज फ्रॉम द मैलेट आर टेकन बाय एनएडी टू फॉर्म एनएडीएच। ऑक्सिलो एसिटिक पिक्स अप द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड रिपीट द साइकिल, यानी ये फोर कार्बन जो कंपाउंड है ऑक्सिलो एसिटिक, जो दोबारा से एक दो एसिटाइल कोएंजाइम वाले मॉलिक्यूल अब इनके साथ ऐड होंगे और दोबारा से सिट्रेट बनेगा, और ये इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। अब हम इसको समराइज करते हैं कि यानी हुआ क्या इस रिएक्शन के दौरान, जिससे इनपुट थी टू एसिटाइल कोएंजाइम ए के, एसिटाइल कोएंजाइम ए की इनपुट थी, और बदले में क्या बना है, बदले में जैसे चार कार्बन डाइऑक्साइड के बने, टू प्लस टू सीओ टू, तो टोटल फोर कार्बन बने,
और इसी तरह से हाउ मेनी एनएडीएच मॉलिक्यूल बने, एक साइकिल के अंदर 3 एनएडीएच, दूसरे साइकिल में भी जैसे 3 एनएडीएच, टोटल 6 एनएडीएच बने, 6 एनएडीएच बने। और इसी तरह से अब देखिए एफएडीएच, एक एफएडीएच एक साइकिल में, दूसरा एफएडीएच, तो यानी हम कहेंगे कि जैसे 2 एफएडीएच जो है, 2 एफएडीएच जो मॉलिक्यूल बने, 2 एफएडीएच, 2 एफएडीएच मॉलिक्यूल बन गए, 2 2 एफएडीएच। और इसी तरह से एटीपी, 1 एटीपी प्लस 1 एटीपी, यानी 2 एटीपी मॉलिक्यूल बने इस क्रैब साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल की इनपुट जो जस्ट ओनली एसिटाइल कोएंजाइम ये थी, जिसमें जो 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने, 6 एनएडीएच के बने, 2 एफएडीएच के बने और 2 एटीपी मॉलिक्यूल के बने, ये जो साइकिल होता है इसे हम कहेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे। और अभी आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, कल से दोबारा से भी इसको थोड़ा देखेंगे कल मॉर्निंग क्लास में, और इससे आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी हम उसमें जाएंगे। सी यू, बाय टुमारो, थैंक यू।